सभी नमस्कार, अभिनंदन आभार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सो आज एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। डिमांड आपने बहुत दिनों से कर रहे हैं और काफी टाइम से हम भी पूरी नहीं कर पा रहा था मैं। सो आज वो डिमांड आपकी पूरी होने वाली है और आगे भगवान ने चाहा तो पूरी ही होती रहेगी। ठीक है भाई, श्री राम प्रभु ने चाहा तो डेफिनेटली डिमांड पूरी होगी। और आज आपको लेके आया हूँ मैं, कहाँ पे ये खुद ही देख लो आप। नमस्कार जी, पास कैसे हो सुमित जी? बहुत बढ़िया सर, दीपक जी बहुत बढ़िया। श्री राम ऑटोमोल लिमिटेड फरीदाबाद। दीपक जी बहुत लंबे टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम सर जी। सो सुमित जी, आज हम जानेंगे पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, और गाड़ियां भी देखेंगे कितनी गाड़ियां यहाँ पे आज होने वाली है। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा भैया, बने रहिए इस वीडियो में। कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करिएगा, कोई सवाल होगा तो वो आप पूछ सकते हैं। और सेकेंडली वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें ताकि हम आपको पूरी तयमिता के साथ में सारी चीजें, तन्मयता के साथ में सारी चीजें बता सकें। तो हम पहले प्रोसेस से शुरू करते हैं कि जैसे ये एंट्री गेट है, आप यहाँ पे आओगे है ना, और यहाँ से आपको आना है यहाँ पे श्री राम ऑटोमोल लिमिटेड मेन गेट। सर अब आप शुरू हो जाइए, कैसे कैसे बताना है सर एंट्री करें? सर मेन गेट से हम लोग घुसेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक मिस्ड कॉल नंबर आता है। अच्छा, इस पे आपको मिस्ड कॉल मारनी है। ये नंबर है भाई 8448488026। हाँ जी, और यहाँ इस पे मिस कॉल मारोगे फिर उसके बाद क्या होगा? इसके बाद सर रजिस्टर में नाम और नंबर लिखे जाते हैं। अच्छा, रजिस्टर में इसमें। अच्छा यहाँ, अच्छा अच्छा ठीक है। उसके बाद आपको इधर आना है जी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर होता है। अच्छा, उस दिन स्पेशली हम लोग यहाँ बनाते हैं जब बड़ा ऑप्शन होता है हमारा किसी भी टाइम, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा आपका, जिसमें आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी और 20,120 रूपए लाने हैं जो रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद एक बिडर बुक मिलेगी आपको जी, जो यूनिक नंबर मिलता है जिसके बाद आप यहाँ पे बिड लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बिड लगाएंगे, बिड अंदर होगी, ऑक्शन हॉल सामने है, ठीक है, वहाँ भी चलेंगे। अभी चलते हैं, मैं पहले आगे बढ़ने से पहले सुमित जी ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो 20,120 रूपए आप ले रहे हो वो किस चीज के ले रहे हो? सर ये हमारी कंपनी का प्रोसेस है, पहले भी वीडियोस में सारी चीजें बताई थी, अब मैं दोबारा बता देता हूँ। जी बिल्कुल, श्रीराम ऑटो मॉल जो ऑक्शन कराता है इसमें देखिए एक आरएसडी अमाउंट लेते हैं हम लोग 20,120। आरएसडी क्या होती है सर? ये रिफंडेबल सिक्योरिटी होती है, अमाउंट होता है, डिपॉजिट होता है। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर आपको गाड़ी अप्रूवल फाइनल नहीं हुआ उस दिन जब गाड़ी आप लेने आएंगे, अगर गाड़ी फाइनल नहीं हुई तो ये रिफंड हो जाता है 20,000 रूपए। 120 रूपए ओनली रजिस्ट्रेशन वन टाइम का होता है, वो कटता है। ओके, हाँ वो भी कुछ हमारे जो मेंबरशिप प्लान जिन्होंने लिया होता है उनका 120 वो भी नहीं लगता पूरे साल का जी। तो वो मैं आपको मेंबरशिप प्लान के बारे में भी बताऊंगा जो बहुत ही अच्छा है डीलर भाइयों के लिए जो गाड़ियां सेल परचेस करते रहते हैं। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ऑनलाइन लाइव भी आपका ऑक्शन होता है? ऑनलाइन ऑक्शन होता है जी, ऑनलाइन ऑक्शन हमारा क्या प्रोसेस है? कार ट्रेड का पोर्टल है हमारा, जो मेन पोर्टल कार ट्रेड का और श्रीराम का खुद का है, दोनों का है। अच्छा, कार ट्रेड और श्रीराम एक ही ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जी। तो इसमें क्या है, कार ट्रेड में वही मैंने बताया ना, बिड क्लब एक मेंबरशिप प्लान है, उसके लेने के बाद उसमें आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसका अमाउंट है 10,000 प्लस जीएसटी, मतलब 11,800 रूपए देंगे। तो वन ईयर का मेंबरशिप प्लान है, उसमें जितने भी एनबीएफसी जितने भी बैंक्स सभी के जो इन्वेंटरी होती हैं वो ऑनलाइन सभी की लगती हैं, तो आप घर बैठे वो भी कर सकते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, तो वो सारे बहुत ही बेनिफिट के। गूगल प्ले स्टोर से वो ऐप मिल जाएगी? हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से हम जाएंगे कार्ड की, उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल के, नाम डाल के रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहले यहाँ पैसा जमा कराएंगे। अच्छा, यहाँ उसके बाद हम लोग लिंक देंगे, वो अपना ऐप डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाता है, देन उसके बाद आप घर बैठे बिड लगा सकते हैं, वो ऑनलाइन पोर्टल है। फिजिकल ऑक्शन में आप गाड़ी यहाँ आके इंस्पेक्ट करेंगे, गाड़ी देखेंगे चलाएंगे, उसके बाद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों प्लेटफॉर्म बहुत ही फायदेमंद है, आप एक गाड़ी दो गाड़ी 10 गाड़ी 20 गाड़ी जितनी भी गाड़ी लेना चाहे मंथ में ले सकते हैं सर, वो दोनों के बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। गोविंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कहाँ की है सर? ये हम फिलहाल हैं फरीदाबाद में श्रीराम ऑटो मॉल पे, जहाँ आपको बहुत सारी गाड़ियाँ देखने के लिए मिलती हैं, गाड़ियों के ऑक्शन होते हैं। ठीक है, सो अभी सर क्या क्या गाड़ियाँ हमारे पास रहती है वो गाड़ियों में? तो अभी जो स्टॉक है वो मैं दिखा देता हूँ, इसमें कम से कम अभी 100 व्हीकल और एड होंगे, जिसमें 10 से 15 टू व्हीलर और आएंगे। अभी हमारे पास 20 से प्लस है, 20 से प्लस है जी। पहले बाइक दिखा देते हैं, तो बाइक स्कूटी है, ये
20-21 मॉडल से कम कोई भी गाड़ी नहीं है, 20-21 मॉडल, 18 मॉडल, 19 मॉडल, ये सारी गाड़ियां लेटेस्ट ही स्टॉक आपको मिलेगा। सभी के पेपरों की जिम्मेदारी कंपनी के द्वारा पूरी कराई जाएगी, नाम ट्रांसफर तक की भी जिम्मेदारी है हमारी। अरे वाह, तो ये आपको टेंशन नहीं, नाम ट्रांसफर के लिए कोई अलग से एक्सपेंस वगैरह नहीं है। नाम ट्रांसफर का जो भी आरटीओ का खर्चा होगा वो हमारा आपको बता देंगे, और जेन्युइन खर्चा लगता है, कोई हमें इसमें पैसा नहीं कमाना होता। इसमें ये होता है, गाड़ी जिसको दिलाई उसके नाम जब तक नहीं होती तब तक हमारे को भी अंदर से तसल्ली नहीं होती जी नाम क्यों नहीं हुई अभी तक। अच्छा, आप भी फ्री और हम भी फ्री। ठीक तो है। अभी तो टू व्हीलर में इसमें 10-15 व्हीकल और ऐड होंगे। हाँ, बाइक भी है यहाँ पे, टू व्हीलर में टीवीएस की भी है, स्कूटी और बाइक है सर, ये एक्टिवा वगैरह भी है। टीवीएस मिलेगी आपको, बजाज में भी मिलेंगी गाड़ियाँ, होंडा की भी मिलेंगी, और जैसे मैं यहाँ फोर व्हीलर स्टार्ट करेंगे हमारे पास ऐसी 4 यूवी हैं जी, ये दिल्ली नंबर में है, 2017 मॉडल भी है। अच्छा सर, शुरू करने से पहले सुमित जी, गोविंद जी पूछ रहे हैं इंदौर में भी है क्या ये? हाँ, इंदौर ऑटोमॉल है हमारा, इंदौर ऑटोमॉल है गोविंद जी, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, गूगल पे जाके इंदौर ऑटोमॉल डालेंगे, बड़ा ऑटोमॉल है कोई। अच्छा, अरे वाह बहुत बढ़िया, तो वहाँ पे भी होने वाला है 26 तारीख में? 26 तारीख में पैन इंडिया में है, और लगभग हर बड़े शहर के आसपास कोई ना कोई ऑटोमॉल मिल जाएगा। अरे वाह शानदार, बट ये जरूर डिफरेंस होगा, शायद जो गाड़ी हमारे पास जिस रेट में मिल जाए शायद इंदौर में ना मिल पाए आपको। अच्छा। क्योंकि जो दिल्ली एनसीआर है ये हब है इस मार्केट का, तो आप, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा फरीदाबाद में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आए। मैं आपको ये श्योरिटी जरूर दिला सकता हूँ, आपको जिस रेट में हम गाड़ी दिला सकते हैं वो आपको शायद कहीं और ना मिल पाए। ओके, डीके निषाद जी कह रहे हैं कानपुर नगर में भी है। जी है, कानपुर में भी है, लखनऊ में भी है, जी, 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 अयोध्या में भी है आपका, बहुत सारे शहरों में है सर। वो हम आपको लिस्ट भी दे देते हैं, अयोध्या में तो है ही है। आपको सर लिस्ट दे दूंगा सारे ऑटोमॉल्स की। अच्छा, अरे वाह बहुत बढ़िया। चलिए सर, महिंद्रा टीयूवी है, टीयूवी है जी, 17 मॉडल है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया गाड़ी है जी, T6 है जी, और डीजल गाड़ी है जी, बहुत ही अच्छे रेटों पर मिलने वाली है। ये भी ऑक्शन में होने वाली है। इधर ब्रेजा है जी, ये भी 19-20 मॉडल है जी, बहुत बढ़िया गाड़ी है ये तो। देखिए सर, अभी धूल मिट्टी है, बाकी ब्रांड न्यू गाड़ी, 16 मॉडल है, दिसंबर की जी, बिल्कुल ओरिजिनल गाड़ी है, कहीं से कुछ चेंज नहीं, कोई पेंट नहीं जी, गाड़ी के न्यू टायर्स ऑन, सारी गाड़ियां मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में है कि आपको शायद सर्विस भी ना करानी पड़े, ऐसी गाड़ियां हैं। अच्छा, अरे वाह, तो इधर और भी गाड़ियां मिल जाती है देखो आपको, 19 मैन्युफैक्चरर है, 20 रजिस्ट्रेशन है जी जी जी, बिल्कुल 20 मॉडल क्रेटा है सर, कोई क्रेटा लेने वाले हो बहुत अच्छे क्रेटा है। अभी एक दो गाड़ी और भी, अभी हमारे पास सर जितनी गाड़ियां आपको बताई जा रही हैं जी, इसमें लगभग 60-70 व्हीकल मिनिमम कारें और ऐड होंगी। अच्छा, उसके बाद और गाड़ियां, मतलब 100 व्हीकल टोटल ऐड होंगे। ओके, मतलब टोटल मिला के 200 के आसपास हो जाएगा। ये सर 18 मॉडल है टीयूवी, बहुत अच्छी गाड़ी है, गाड़ियां सारी यहां पर सारी है, ये 18 मॉडल होंडा सिटी पेट्रोल की जिसे चाहिए। जी जी बिल्कुल, आगे आपके निकल गई दो गाड़ियां, ये होंडा जैज है, ये होंडा सिटी भी 15 मॉडल है डीजल जैज है सर, आरजे नंबर में जिसे चाहिए जी। और इधर देखिए लग्जरी गाड़ियां भी खड़ी हुई है यहाँ पे, लग्जरी का सेगमेंट भी है सर, वोल्वो भी है लग्जरी में हमारे पास, Q3 है जी, और ये सारी गाड़ियां हैं अपना, वोल्वो में भी हैं जी, सारी गाड़ियां हैं बिल्कुल, हमारे बिल्कुल पास। सही बात है सर, गूगल में डालो जिस भाई को भी श्रीराम ऑटोमॉल का पता करना है कि उनके शहर में है या नहीं, वो आप छोटा सा काम करो मेरे दोस्त, कि गूगल में जाइए और सर्च कीजिए श्रीराम ऑटोमॉल और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, वहाँ का एड्रेस लोकेशन सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 18 मॉडल सर जी, हाँ जी, सेम अठारह मॉडल T8 टॉप मॉडल जी, बहुत ही ऐसे रेट पे मिलने वाली है कि आप यहाँ से ले जाके बेच के भी बहुत अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं। क्या बात है, शानदार, और जो डायरेक्ट यूजर है उनके लिए तो फिर बचत है वो। हाँ बिल्कुल, ये है असम नंबर 22 मॉडल। अच्छा, असम नंबर भी, अरे वाह, तो असम वाले जल्दी से आ जाओ जी, ये देखो जी, असम नंबर हमारे पास 2-4 गाड़ियां हमेशा मिलेंगी देखो, और यहाँ कमर्शियल नंबर की गाड़ियां भी अवेलेबल है तो वो भी देखेंगे अभी। दिल्ली नंबर में डीजल में गाड़ी है ये जी, यागो सियाज है जी, 2000 जी, 17 दिसंबर है ये जी, ये भी इस रेट में गाड़ी मिल जाएगी, शायद आपको पूरे राजस्थान बिहार यूपी कहीं नहीं मिलेगी इस रेट में जो हम दे देंगे आपको। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ सर इन्वेंट्री हम लोग चूजेबल ही लगवाते हैं जी, इसीलिए यहाँ आने का मकसद एक अलग है। देखिए, आप जाएं कहीं भी ऑटो मॉल में, सबका अपना अपना स्टॉक है जी, बट जो हम लोग लगवाएंगे हम कोशिश करते हैं कम से कम उस दिन 100 व्हीकल्स हम बेचें यहाँ पे। अरे वाह शानदार, दिल्ली नंबर में सर ये कमर्शियल नंबर, इसमें भी आपको सारी डिटेल मिलेंगी, बहुत बढ़िया, ये कमर्शियल गाड़ियां सारी लग जाएंगी लाइन से। देखो कितनी अर्टिगा है सर, अच्छा इनके पेपर को बताओ सर, अर्टिगा कमर्शियल, ये जो पीली प्लेट है जी, इनमें लगभग
जितनी गाड़ियां इनमें एज इज वेयर इज बेसिस पे होती हैं, ये बैंक की रिकवरी वाले सारे व्हीकल्स हैं जी। तो इनमें क्या है सर, जो टैक्स होता है ना, टैक्स आपको पूरा कराना पड़ता है खुद, परमिट फिटनेस खुद करानी पड़ती है। तो उसके लिए भी हम लोग आपको एजेंट का नंबर दे देंगे, अच्छा, वो आपको पूरी हेल्प करेंगे। और यहाँ जिस नंबर की ये गाड़ियां हैं, ट्रांसफर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी आपको। अच्छा, ट्रांसफर के लिए जिम्मेदारी पूरी है। डॉक्यूमेंट में कोई झोल तो नहीं होता? डॉक्यूमेंट सही होते हैं, कोई परेशानी तो नहीं होती ना? 100% जेन्युइनिटी की गारंटी। ठीक है, ये सारी गाड़ियां सेल में रहेंगी बिल्कुल। ये देख सकते हैं आप, इधर इको भी खड़ी, गैलेक्सी इको है, एक्सेंट वगैरह है, और ये प्राइवेट नंबर की बीट भी ये डस्टन गो भी खड़ी है। डस्टन गो है, और एक्सयूवी 500 भाई सर, 0090 नंबर, क्या बात है। इनमें से भी सर कुछ गाड़ियों के अभी अप्रूवल पेंडिंग है जी, अगर अप्रूवल आ गया इसका तो इसको भी लगा देंगे। ओके, क्योंकि डिमांड चल रही है इसकी, हमारी भी बात चल रही है जी। तो ये अदर बैंक की, हमारे पास हर बैंक की इन्वेंट्री होती है, तो जो भी उस दिन अप्रूवल दे दिया कंपनी ने, बैंक ने, हम जरूर लगा देंगे हर गाड़ी को। हरबाग सिंह पट्टी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इको है सर, एक बार सर एड्रेस बता दीजिए उनको। एड्रेस बहुत ही सिंपल है, श्रीराम ऑटो मॉल इंडिया लिमिटेड, फरीदाबाद, 16/5, कारखाना बाग, नियर भडकल मोड़ मेट्रो स्टेशन। बिल्कुल, नियर भडकल मोड़ मेट्रो स्टेशन है। अगर कोई मेट्रो से आना चाहे दिल्ली से, तो भडकल मोड़ मेट्रो स्टेशन उतरे, ये अपना बदरपुर से सीधे राजा नारसिंह वाली रूट है, तो इसपे बीच में भडकल मोड़ मेट्रो स्टेशन आएगा, वहां से उतर के वॉकिंग डिस्टेंस है सर 5 मिनट का, कोई रिक्शा करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। बहुत ही सबसे अप्रोचेबल ऑटो मॉल है पूरे इंडिया का, ये बात है। जहां आप मेट्रो से कन्वीनियंट है, बस से उतर सकते हो, अपना कन्वेंस ला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ट्रेन में अगर कोई दूर से आ रहा है तो रेलवे स्टेशन भी पीछे ही है हमारे, ओल्ड फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन भी हमारे पीछे है। फरीदाबाद में दो रेलवे स्टेशन है जी, एक न्यू टाउन, एक ओल्ड, एक बल्लभगढ़ जी। तो ये ओल्ड फरीदाबाद जो रेलवे स्टेशन है भारतीय रेलवे का, उससे जस्ट आधे किलोमीटर का डिस्टेंस है बस। सभी को राम राम भाई, जितने भाई कमेंट कर रहे हैं सभी को राम राम, सभी का स्वागत। एक एक कमेंट हो सकता है ना पढ़ पाऊं, ये भी आ जाएगी। ये देखिए भाई, ये 12-13 मॉडल में बुलेरो है, जो हमारे भाई पंजाब और इधर से यूपी बिहार राजस्थान में आजकल बुलेरो की बहुत डिमांड है। इंजन ठीक है इसका? इंजन से तो सारी टाइट गाड़ियां हैं, इंजन ही ठीक चाहिए। क्या होता है सर, देखिए इनमें 10-15-20 हजार लगा के, हाँ, यही गाड़ी डीलर भाई इन्हीं पे तो पैसा कमाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत इन पे होगी तो पैसा भी इन पे कमाता है आदमी। सही बात है बिल्कुल। मोबिलियो बहुत ही अच्छी गाड़ी, 14 मॉडल, 7 सीटर में, आपको मैं ये दावा कर सकता हूँ इससे सस्ती गाड़ी नहीं मिल पाएगी आप। क्या रेंज में पड़ सकती है सर ये? देखिए मैं एक आइडिया दे सकता हूँ। हाँ, आइडिया चाहिए सर। 2 लाख रुपए से शुरू कर देंगे। अच्छा। और जो हाईएस्ट रेट आएगा उसको गाड़ी दे देंगे। ओके। मात्र 2 लाख रुपए में डीजल 7 सीटर गाड़ी, क्या बात है। देख लो नंबर फरीदाबाद, ट्रांसफर कराने की मैंने पहले कई बार बता दी, जिम्मेदारी हमारी होती है हर गाड़ी की। ओके। ये अपना फ्लैक्सी लोडिंग में इको है तो सही है, ये 8 मॉडल, कोई लेना चाहे अपना बच्चों को सिखा ले गाड़ी। ओके। ये UP14 विद नंबर मिल जाएगी गाड़ी, WRV, सारी गाड़ियां एक नंबर की हैं सर। पीछे कमर्शियल का भी स्टॉक है, जैसे लोडिंग में गाड़ियां खड़ी हुई है। ये टाटा एस भी खड़ा है, अरे वाह क्या बात है। ये देखो टाटा एस है, टाटा एस भी आपको, टाटा एस मिल जाएगा सर आपको मेगा, ये कमर्शियल में। जैसी गाड़ी है जो है अपना रेट दो, उस दिन वो रेट मिल जाएगा आपको, शायद कहीं ना मिल पाए। सही बात है। अब हम आपको बताते हैं कि ऑक्शन कहाँ पे होने वाला है और कहाँ पे गाड़ियां खड़ी होंगी और आप कहाँ पे बैठेंगे, वो सब चीजें हम आपको आप दिखाने वाले हैं। सो मैं थोड़ा दूर चला जाता हूँ ताकि आपको आसानी से पूरा एक खाका दिखा सकूं मैं। ये देखिए, ये है इनका यार, जहाँ पे ऑक्शन होता है, जहाँ आप बैठते हैं तो यहाँ पे लगती है सिटिंग, ठीक है भैया। और ये है इनका रैंप, जहाँ पे गाड़ियां चलेंगी, आएंगी जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आप पहले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, और आप देख चुके हैं वीडियो में बहुत सारी चीजें हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यहां से गाड़ियां आएंगी और यहाँ पे बोली शुरू होती है। यहाँ पे ये इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे खाका पूरा, और यहाँ से बोली शुरू होती है, फिर आप अपनी बिड लगाते हैं। ऐसी गाड़ी खड़ी रहेगी और आप यहाँ पे बैठे रहेंगे। ये कुर्सियां पड़ी हुई है यहाँ पे, ये सारी कुर्सियां यहाँ लग जाती हैं और आप लोग यहाँ से अपनी बिड पूरी करते हैं, राइट सर? जी सर, यहीं से हम लोग माइक से बिड करेंगे। ये ऐसी गाड़ी खड़ी रहेगी, गाड़ी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, चलाने की भी हम लोग परमिशन दे देते हैं, आगे पीछे करके दिखा देख सकते हैं। ओके। बट ये है सर, उस दिन बड़ा ऑक्शन है, हाँ, तो समय कम होता है, तो नॉर्मल 1-2 मिनट का ही रहता है रैंप पे। जो गाड़ी हुई
नहीं तो फिर आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर रेट आएगा तो ही बिकेगी ना सर गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी बिल्कुल, और बाकी मैं कोशिश करूंगा भाई। पूरा दीपक जी एक बार आप देख लें, अभी तो गाड़ियां, हाँ ये गाड़ियां हैं अभी कम दिख रही हैं जी, ये लगभग वगैरह 100 व्हीकल्स और बढ़ जाएंगे इसमें, बोलेरो वगैरह पे चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल। सो कुछ एक दो कमेंट भी ले लेते हैं। जब बोली लगेगी तो इनके आदमी भी खड़ा होगा बोली लगाने के लिए, उसका काम रेट ज्यादा करवाना होता है और कस्टमर फंस जाएगा। ये फैज सैफी जी कह रहे हैं, सर ऐसा होता है क्या? सर देखिए अब ये चीज के लिए तो मैं क्या इनसे बोलूं, सर कस्टमर तो सारे हमारे ही होते हैं और किसके होते हैं, अगर कोई भी आएगा वो गाड़ी लेने ही आएगा, अगर उसके रेट में गाड़ी मिलेगी तो हम जरूर देंगे, और नहीं अगर गाड़ी आई तो सर अनसोल्ड हो जाएगा। बस एक 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 चीज आप समझो फैज भाई कि गाड़ी खड़ी करके इन्होंने क्या करना है? हमें तो सर क्लियर करना है, आपको भी पता है कोई भी फाइनेंसर मार्च और फरवरी में इतना प्रेशर होता है, जो गाड़ी है कंपनी कह रही है रेट दो, रेट अगर आसपास भी आया तो 100 में से 100% आपको गाड़ी मिलेगी फैज जी, और इस चीज को आप बिल्कुल नेगेटिव ना लें। देखिए हर कंपनी में हर कंपनी के बायर आते हैं, क्योंकि आप शायद पहली बार आ रहे होंगे, हमसे डीलर एक डीलर नहीं जुड़ा, हजारों डीलर जुड़े हुए हैं बिल्कुल, और हर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जैक्टली भाई आदमी डीलर को तो माल चाहिए सर। और मैं बता दूं आपको एक चीज, और यार श्रीराम ऑटोमोल के अलावा कोई और ऑक्शन करता भी नहीं है पूरी पैन इंडिया में भाई साहब, ठीक है, जिस तरह की ऑक्शन ये करते हैं ऐसा कोई भी ऑक्शन नहीं करता, ना ही कोई ऑक्शन कंपनी ऐसी है जो इस तरह का ऑक्शन करती हो पूरी पैन इंडिया में, जिसके 120 आउटलेट ओनली और 50 साल से चल रहे हो पूरे, अभी 50 साल सिल्वर जुबली मनाई है सर अभी। exactly. तो अभी हमारी श्रीराम फाइनेंस का जो है 50 साल पूरे हुए हैं 2 से 3 दिन पहले ही, उसी का ही पार्ट श्रीराम ऑटो मॉल है। 2011 से हम लोग कंटिन्यू ऑक्शन करा रहे हैं, हमारे साथ की कितनी कंपनी आई और कितनी अभी चली गई, कितनी मर्ज हो गई बिल्कुल। तो सर ऐसा आप बिल्कुल ना सोचे, आप आएंगे पॉजिटिव थिंकिंग से आए, गाड़ी जरूर मिलेगी। नेगेटिव बात में आप ध्यान करेंगे, देखिए ऑक्शन में तो अब हम लोग आज 10-10 साल से यहाँ बैठ रहे, हर आदमी हमें जानता है, यहाँ कौन नहीं जानता, अगर कोई कस्टमर रेगुलर आ रहा है दिल्ली एनसीआर का सर 100% जानेगा। 150 गाड़ियों से ज्यादा इसी यार्ड से सर हम बेचते हैं हर महीने, फरीदाबाद की बात हो रही है ओनली। फैज साहब कह रहे हैं कि दीपक जी मैं बहुत पुराना कस्टमर हूँ श्रीराम का और ये मैं जानता हूँ कि ऐसा होता है। फैज जी आप आइए, मैं खुद आपको पर्सनली सारी चीजें दिखाऊंगा सब चीज, अगर कोई गाड़ी का जेन्युइन रेट आपको लग रहा होगा जरूर आपको दिलाएंगे। बिल्कुल सही बात। देखिए ये चीजों से बोलने से मैं भी इसमें क्या आपसे आर्गुमेंट करूं, आप आओ और मैं स्पेशली पर्सनली आपसे बात करके आपको एक एक स्टॉक दिखाएंगे, जिस पे आपका रेट समझ आ रहा होगा जरूर सर फाइनल कराने के लिए पूरी कोशिश। बात करने से ना जी फैज भाई, बात करने से समस्याओं का हल निकलता है, आप बात करो आओ और फिर इसको रिजोल्व करते हैं। सर ऐसा भी नहीं है दीपक जी, एक और बात है, लोग क्या सोचते हैं जैसे ये ट्रैक्टर है सपोज, अब इसका लगा दिया 20,000 रूपए जी, सर आपको भी पता है बैंक की कोई एक कुछ तो कॉस्ट होती है, अब 20,000 में गाड़ी नहीं दी तो जी इनका बंदा है नहीं दे रहे, ये दिमाग में भी बहुत चलता है, ये चीजें बिल्कुल ना सोचे, एक रेट होता है सर, अब आपको भी पता है इतने का तो लोहा ही निकल जाएगा इसमें, कोई स्क्रैप में नहीं मिलेगा, आपको भी पता है ट्रैक्टर 20-20 साल पुराने भी खेतों में चल रहे हैं आज भी, तो ये ट्रैक्टर है, ये जरूर है कि नहीं 1-2 लाख का है, 50 से ऊपर तो कोई रेट है तभी तो कुछ बात बनेगी सर जी बिल्कुल। अच्छा, एनओसी मिल जाएगी सर? सबके पेपर आपको पूरे मिलेंगे। ओके, मतलब पूरे का मतलब है अगर हमने इसकी आरसी बोला है तो आरसी देंगे, एनओसी तो स्टोर की एनओसी की बात कर वो तो हम निकलवा देंगे, वो निकलवा देंगे। ठीक है जी, ये बताइए सर इसके बारे में क्या है? ये भी सर सेल में ही गाड़ी क्या है? ये नहीं, ये बोलेरो है, पीछे वही पिकअप है। अरे बड़ा खतरनाक बनाया हुआ है इसको तो यार, पिकअप है सर, ये देखो भाई मर्सिडीज का लोगो लगाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लगाया है, पीछे से कुछ और दिख रहा है, आगे से ये थार जैसा लग रहा है, बहुत भाई साहब मॉडिफिकेशन, मतलब भारत का भाई साहब क्रिएटिविटी देखो, ये देखो अशोक लीलैंड भाई साहब दोस्त है, सारी गाड़ियां हैं सर, इसे दोस्त कहते हैं मुझे भी, ये यहाँ पे खड़ी हुई आपको लग रही होंगी ऐसे ही है कबाड़ा है, मगर आप जिस दिन लेके जाओगे ये सब बिल्कुल अच्छी कंडीशन वाली है, ये सिर्फ खड़े खड़े आपको बारिश भी आई थी सर, बारिश से देखो अभी यार्ड हमने अभी मेंटेन कराया है। बोलेरो की ये क्या बोलते हैं सर इसको, कौन सा सर ये क्या है? ये वो है अपना, हाँ बोलेरो है ओनली, हाँ अच्छा पैसेंजर व्हीकल जो, ओके अच्छा तो बोलेरो पैसेंजर है, ये भी देख सकते हैं आप राजस्थान के सारे लोग हैं वो देख सकते हैं जिसको चाहिए, और ये देखिए इधर गोल्ड भी खड़ा हुआ है, दो कई कई सारे पिकअप हैं, दिल्ली 22 मॉडल है जी, ये भी देखिए 22 मॉडल खड़े हैं, ये भी सेल में आ जाएंगे, ये ट्रैक्टर एक ये भी है जी बिल्कुल, स्वराज का 2018 मॉडल है, देखो भाई स्वराज खड़ा हुआ है 8555
18 मॉडल है सर, 855 है, 855 कह रहा हूँ। हैवी ट्रैक्टर है ये देखो भाई। इसकी डिमांड है, स्वराज है ये, मजाक थोड़ा, बहुत अच्छी डिमांड है सर। क्या बात है। अच्छा आप ये मेरे एक सब्सक्राइब फॉलोअर पूछ रहे हैं, टिंकू कोहली जी, टिंकू कोहली सोफी, एनओसी का पूरा कंफर्म करो, मैं आ रहा हूँ। सर आपको एनओसी देखिए दो टाइप की होती है, पहले तो आप उसको भी समझ लें, बैंक के लोन की एक, तो उसको भी एनओसी कहते हैं। स्टेट एनओसी की बात, स्टेट एनओसी आप जहाँ की बोलोगे वहाँ की निकलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस बात खत्म, बस और क्या चाहिए अब बताओ आप जी। फोर्स भी खड़ा भाई साहब ये देखो, अरे बड़ी अच्छी कंडीशन में है, तो ये नया है, 22 मॉडल है। अरे 22 मॉडल, हाँ, बट अभी दीपक जी इसमें थोड़ा सस्पेंस है, ये आ भी सकता है सेल में और नहीं भी। अच्छा मतलब फाइनली कभी तो आएगा ही। सर ने नोटिस डाल दिए हैं, बट अच्छा जो कस्टमर है उसने टाइम मांगा था, अगर अच्छा हो जाएगा तो आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये आते ही इसके तो आपको पता है, मतलब इसकी ईएमआई पूरी नहीं करी होगी। हाँ, बैंक ने उठा लिया, आपके यहाँ नीलामी के लिए लगा दिया। हमारे अपने श्रीराम खुद का फाइनेंस है। अच्छा अच्छा, तो अब ये जब जो कस्टमर है वो इसका 17 मॉडल उसने समय मांगा है कस्टमर ने, कि भाई इसका हम पेमेंट में मुझे टाइम दे दो, पेमेंट कर दूंगा, अगर नहीं किया तो फिर नीलामी में आ जाएगा। जी जी सर, ठीक है। ये भी है अपना टाटा का अपना 15-18, ये ट्रक भी है 15-18 है, 15-18 के लिए आए हो जरूर आए सर, ट्रकों के लिए भी जो हमारे पास। वो जेसीबी वगैरह कहां गई सारी? सर वो तो सेल हो गई सारी। ओ शाबाश, क्या बात है। अच्छा ऑटो भी रखे हैं आपने? ऑटो भी है सर, अभी तो ऑटो का पूरा लॉट है। हाँ एक बार सर छोटा सा मैसेज मैं देना चाहता हूँ सभी हमारे बायर्स आपके थ्रू जो जुड़ रहे हैं, ऑटो के लिए बजाज के 55 ऑटो का पूरा लॉट आज की डेट में है हमारे पास, आज 21 तारीख है। अगर कोई भाई ऑटो का बल्क में रेट देना चाहे, बजाज के सीएनजी वाले HR 38 फरीदाबाद नंबर 22 और 23 मॉडल है, अगर कोई बल्क में डीलर भाई या कोई खुद के लिए लेना चाह रहा हो तो कल तक हमें रेट दे सकते हैं, उसको पूरा ऑटो का पूरा लॉट दिला देंगे। 55 ऑटो का लॉट है सर। ओके, और लगभग मैं रेट भी बता देता हूँ, 1 से 1.25 लाख के बीच में आपको एक ऑटो के हिसाब से रेट देना है। अच्छा। नया ऑटो 3.5 लाख रुपए का मार्केट में पड़ता है। जी जी, 22 और 23 मॉडल है, बिल्कुल नए जैसे है सर। पेपर ठीक होंगे उनके? बैंक किट पे है, आरसी तो आपको पता है बैंक की गाड़ी में बहुत कम होती है, ट्रांसफर तुरंत हो जाएंगे। अच्छा, पेपर पूरे होते हैं, 1 महीने के अंदर सेल लेटर और एनओसी जो किट होती है बैंक की वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये बहुत जरूरी है अगर कोई ऑटो के लिए, स्पेशल थ्री व्हीलर सीएनजी वाले जो पैसेंजर वाले होते हैं, जो आपको पीले वाले छोटे वाले। और भाई ये ट्रक चलते भी हैं, ये मत सोचना कि चलते नहीं, ऐसे ही खड़े हैं, देखो चल भी रहा है। कई बार आ जाता है दिमाग में कि ये ट्रक चलते हैं नहीं चलते हैं। बिल्कुल सर, सारे चलते हैं, ऐसे तो नहीं खड़े कर रखे जी। ये भाई इधर 14-12 भी खड़ा हुआ है, और ये इधर टैक्सी में डिजायर वगैरह और उधर भी खड़ी है बहुत सारी, सीएनजी वाला भी बैठो। आप जरूर दिखाएं। हाँ जी, ये घोड़ा है। हाँ जी, 49-23, ये बहुत ही डिमांडेबल गाड़ी है। अच्छा जी, आरजे नंबर है जी, ये जरूर आप देख लें। जी बिल्कुल सर, आप चलिए। कितना टायर है सर ये? ये मॉडल मैं एक बार चेक कर लूंगा। देवेंद्र, देवेंद्र जी मॉडल चेक करना, 18 है शायद मेरे हिसाब से। अभी इसका मॉडल भी आपको बता देते हैं, तब तक साइड से आपको दिखा देता हूं। आप देख लें सर, इसको घोड़ा बोलते हैं अपना देसी। 17 मॉडल है, 17 मॉडल है जी, ये लो। आरजे नंबर है जी, 32 फिटा बोलते हैं इसको सर। तो इसमें भी ये बहुत डिमांडेबल गाड़ी है सर, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था। जी जी, ये भी ऑक्शन में लग रही है, इसके लिए आप लोग जो आना चाहें आए सर। बिल्कुल, ये देखो भाई, और इधर भी ये भी डिमांड में है, और ये भी भैया लगा ही रहे हैं गाड़ी अभी। आओ जी ऑटो पे चले सर एक बार, और ये देखो ये खाली वाला भी है, ये SML सब्रा। हाँ, इनमें एक दो गाड़ियां जो भी रह जाएंगी ना, जो सारी लग रही हैं। अच्छा अच्छा, अभी सर लिस्टिंग फाइनल हो रही है, कल तक फाइनल हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ये देखो भाई, ये अपना थ्री व्हीलर है। हाँ, ये देख सकते हैं आप लोग, अतुल का है, TVS के हैं। अच्छा, ऐसे ही ऑटो है जो मैं आपको बताना चाह रहा था जी, ये TVS का है। TVS ऑटो लाइन में सबसे ज्यादा जो डिमांड है सर वो बजाज की है जी। बजाज के ऑटो मार्केट में ऐसे हैं जैसे मारुति में स्विफ्ट। अच्छा, कारों में मारुति जी और ऑटो में बजाज सबसे ज्यादा बिकता है। अच्छा, बिकते तो सारे हैं, बट एक होता है ना जो ज्यादा बिकता है, मतलब वही स्टार प्रोडक्ट होता जी।
सेम यही चीज है जी। सेम यही मॉडल 22 और 23 मॉडल 55 ऑटो का लॉट आया है जी। कल तक हमें फाइनल करने हैं रेट देना, तो आप में से कोई भाई देना चाह रहा हो रेट तो कल जरूर दें जी। दीपक जी को कांटेक्ट कर लें, हमें कर लें, जैसे नहीं, नहीं सर कोई कांटेक्ट करो हाँ। इनका नंबर मैं अभी टाइटल में डाल दूंगा जिसमें आप कांटेक्ट करेंगे ठीक है। और ये टीयूवी भाई, ये टीयूवी का दीपक जी अभी मुश्किल है, कोई नहीं सर है बस अवेलेबल हाँ। है बाकी ये अगर लगेगी ऑक्शन में तो पता चली जाएगा। तीन यूवी आगे लगी हुई है और एक दो और आ जाएंगे अभी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाड़ियां तो सर अभी हाँ। आधी भी नहीं हमारे पास जी। बिल्कुल। तो भाई मैं एक चलते चलते अब आप सुमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सुमित जी प्रोसेस बड़ा सिंपल है सर, आपको आना है पहले, लोकेशन दीपक जी आपको दे ही देंगे, एड्रेस मैंने बता दिया, फिर दोबारा बता, लोकेशन सिंपल है मेरे भाई। लोकेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि आप लोग सीधा सीधा गूगल में जाइए, वहां पे लिखे श्रीराम ऑटो मॉल फरीदाबाद ठीक है। और अगर आप दिल्ली से नहीं है तो आप कहीं और से हैं, दिल्ली से अदर स्टेट से हैं, तो आप अपने स्टेट का या अपने शहर का नाम श्रीराम ऑटो मॉल और अपने शहर का नाम डाल के सर्च कर लीजिए, जहां भी होगा उस एरिया की सारी लोकेशन आ जाएंगी आपकी इनके ऑटो मॉल की, राइट सर जी। सर जी बाकी सर वही है, पैन कार्ड आधार कार्ड लाना है जी, 20,120 रुपए की राशि लानी है ठीक है। वो इसलिए कि आप बिडिंग में बैठेंगे पार्टिसिपेट करेंगे बिल्कुल, अगर गाड़ी आपको फाइनल हो जाती है तो पैसा उसी में एडजस्ट हो जाता है जी, नहीं तो ये रिफंड 20,000 हो जाते हैं, 120 रुपए ओनली डिडक्ट होता है ठीक है। बाकी सर और कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, 7 दिन का टाइम मिलता है गाड़ी उठाने के लिए जी, और सारी चीजें सेम है, कोई ऐसा बहुत बड़ा हिडन चीज नहीं है कि आपको कहीं दिक्कत आएगी, और सारे आपको पेपरों की जिम्मेदारी कंपनी देती है, ट्रांसफर कोई गाड़ी लोगे वो हम जिम्मेदारी से कराएंगे ओके। बाकी सारी चीजों की आपको कंपनी की तरफ से अश्योरिटी है। पेमेंट का मोड जो है वो बड़ा क्लियर है जी, 1,99,999 ओनली कैश, उसके बाद अकाउंट से सेम अकाउंट जिस नाम से आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओगे। 2 लाख में एकम यानी कि 1,99,000 रुपए केवल कैश जमा हो सकता है पर गाड़ी पर बंदा पर डे जी जी ठीक है जी। तो ये आप ध्यान रखें, पर गाड़ी नहीं दीपक जी, छोटा सा इसमें है, पहले अच्छा। रूल अलग थे जब आप अच्छा, चेंज, अभी अच्छा। थोड़ा सा कंपनी ने चेंज करा है मार्च के बाद जो नई हमारी सर्कुलर आया था जी। एक व्यक्ति 5 गाड़ी ले रहा है, 4 ले रहा है, 2 ले रहा है, 1 ले रहा है, ओनली 199 मतलब 1,99,999 ही कैश दे सकता है अच्छा, एक ही बार, एक बाकी अकाउंट से नहीं, एक ही बार बस अच्छा, एक ही बार एक ट्रांजेक्शन होगी उससे 1,99,999 उसके बाद अकाउंट से ही लेंगे अच्छा। ये थोड़ा चेंज हुआ है वो आप, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, इसको क्लियर करो। जैसे मैं आज एक गाड़ी लेता हूँ, मैं आज 3 गाड़ी लेता हूँ, मैं 1,99,000 रुपए कैश दूंगा खाली ठीक है। हाँ जी, मैंने ले ली गाड़ी, बाकी का आरटीजीएस कर दिया जी। मैं अगले दिन आया, मैंने फिर 5 गाड़ी ले ली, तो फिर 1,99,000 कैश दूंगा फिर दे सकते हो आप। मैं ऑक्शन में जैसे आपने 4 गाड़ी ले ली, 2 ले ली, 1 ले ली, तो उसमें एक व्यक्ति के नाम, जैसे आपने सुमित के नाम का रजिस्ट्रेशन कराया यहाँ पे, सुमित के नाम की बिडर बुक मिली है आपके, आधार कार्ड पैन कार्ड सुमित के जमा हुए 20,120 रुपए, तो सुमित अगर 4 गाड़ी ले रहा है तो सुमित के एक ही गाड़ी पे सिर्फ 1,99,999 जमा होते हैं कैश में, बाकी अकाउंट से अच्छा। बाकी आप अगले दिन आके गाड़ी ले लो कोई अप्रूवल लेके, तो अगले दिन भी करा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए फिर तो ठीक है। तो भाई ये हमारे साथ सुमित जी थे, हम आए हैं फरीदाबाद ऑटो मॉल श्रीराम ऑटो मॉल में, और कैसी लगी वीडियो कमेंट कीजिएगा, बाकी आप लाइक करें शेयर करें, ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और आप आइए शिरकत कीजिए, और सर 10 बजे से आप आ जाइए जी, क्योंकि उस दिन हमारी भी तैयारी बहुत अच्छी है, हमें पूरी उम्मीद है कस्टमर अच्छा आएगा, तो आप टाइम पे आएंगे गाड़ियों को देख सकेंगे, चेक कर सकेंगे सर बिल्कुल, और मैं भी कोशिश करूंगा टाइम से आके आप लोगों को लाइव चीजें दिखा सकूं, लाइव ऑक्शन दिखा सकूं, हो सकता है 2 पार्टों में दिखाऊं, लेकिन लाइव भी कोशिश करूंगा दिखाने की ताकि आप ऑन गोइंग चीजें देखें ठीक है ना। और जो जो आ रहे हैं भाई मिलेंगे उस दिन आप लोगों से डेफिनेटली, मैं भी सर बुलाएंगे ना मुझे भी सर आपका तो आप मैं पता चला मैं ऐसे ही सवार हो रहा हूँ, ऐसे खुश हो रहा हूँ, सर बोले नहीं आपको नहीं आ रहा, तो भाई आई एम ऑल्सो कमिंग, और जितने भाई हमारे फॉलोअर देख रहे हैं जो भी आएगा उनसे मिलेंगे डेफिनेटली, मिलकर बातचीत करेंगे, आगे शगी करेंगे, सेल्फी वेल्फी लेंगे, और पूरा ऑप्शन आपको लाइव दिखाएंगे, साथ में बातचीत भी करेंगे बहुत सारी। और भाई आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।